है ना, फिर इस बात की क्या वजह है, हमें बताते क्यों नहीं, वरना मैं अभी के अभी बारात लेकर चला जाऊंगा। देखिए, इस तरह बेटी का बगैर रुख्सत किए जाना बेटी वालों के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस है। तो फिर क्या मैं ऐसी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊं? भाई साहब, मैं इनको जमाने से जानता हूं। हाशिम साहब और उनके बच्चों की शराफत की कसम पूरा मोहल्ला खाता है। देखिए अंकल, प्लीज आप ठंडे दिल से सोचें, ये सरासर गलतफहमी है। सुनो जी, आंखों देखी मक्खी तो मुझसे निकली नहीं जाती। कैसी दोस्त हो तुम? हाँ, लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने क्या किया? तुम्ही ने बताया ना अरबाज को जुबिया की शादी का। कसम से बच्चो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर किसने बताया? मैं नहीं जानती, यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम। मामा की कसम मैं बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम सूबिया को उकसाती और ना आज हमें ये मनहूस दिन देखना पड़ता। मैं नहीं जानती थी बज्जो कि ऐसा हो जाएगा। जूबी मेरी सबसे प्यारी दोस्त है और इसकी बर्बादी के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। उससे भी कुछ नहीं होगा इकरा, उसके दामन पे जो बदनामी का दाग लगा है ना, वो साफ नहीं हो जाएगा। अगर बारात वापस चली गई तो कौन शादी करेगा उससे? बताओ ना, कौन करेगा? बताइए, इससे ज्यादा क्यामत क्या होगी? बताएगा कोई मुझे? ये हैं इज्जतदार लोग। वाह हाशिम भाई, आपने तो सबकी आंखों में धूल झोंकी हुई है। ऐसी लड़की? तौबा तौबा, चलो उठो साथ, छोड़ो इन लोगों को। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। 8 साल से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, अभी इस घर की आवाज बाहर नहीं आई। किसी ने बहुत ज्यादती कर दी इनके साथ। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर सब कुछ होता है। सही कह रहे हो। मुझे बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। क्या सोचते होंगे ये सब लोग? भाभी ने जब साथ का रिश्ता मांगा तो आपने कहा कि लड़की मॉडर्न है। तुम सब लोगों ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। बारात अब वापस से जाएगी, आई बात समझ में? आखिर ये क्या बकवास है? अगर ये बकवास है तो जाकर अपनी बहन से पूछो, यहां खड़े हुए क्या कर रहे हो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो कोई और वजह ढूंढ लेती। इस तरह से हमारे खानदान को जलील करने का कोई हक नहीं है आपको। वाह बेटा वाह, हम तो लड़की के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। हम तो सिर्फ हाशिम साहब की शराफत